नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव होगी तिरथ की पहली अग्नि परीक्षा। भाजपा कांग्रेस झोंके की ताकत, बीजेपी ने भी शुरू किया रणनीति बनाना। इस बार 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ट्रस्ट ने शुरू की यात्रा की तैयारी, श्रद्धालुओं के आने जाने पर रखी जाएगी निगाह। उत्तराखंड के धारचूला में 10 किलोमीटर में घिसका ग्लेशियर, आवाजाही पूरी तरह से ठप। 10 किलोमीटर जगह जगह ग्लेशियर आने से बंद हो गई सड़क। रिटायर कर्मचारियों ने से रिकवरी केस की शुरू की गई तैयारी। मुख्य सचिव के खिलाफ एक ही मामले में 17 याचिकाएं दायर की गई। बंदी की हत्या के आरोप में पर भड़के बंदी रक्षकों का जेल में हंगामा। जेलर समेत 41 जेल कर्मियों का इस्तीफा। कुंभ में क्राउन मैनेजमेंट पर रहेगा फोकस। पर्वतीय शहरों में भी बिछेगा सीसीटीवी नेटवर्क का जाल। सुरक्षा के साथ तैयारियां पर फोकस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी को कोतवाली में कई खामियां मिली, जिस पर एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई है। पुलिस कप्तान ने कोतवाली में रखे असलहों का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान जब पुलिसकर्मियों से उन्होंने असलहों को खोलने और जोड़ने के लिए कहा, तो कई पुलिसकर्मी असलहों को हैंडलिंग में नाकाम रहे, जिस पर पुलिस कप्तान नाराजगी जताई है। तो इस थाने की जो है सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मैंने उनको बता दिया है। दूसरा, मालों का रखरखाव, मालों का निस्तारण में और ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा जो है, यहाँ कर्मचारियों को ज़रा असल की जानकारी, उसको जो हैंडलिंग है, खोलना जोड़ना, उसकी सफाई आदि के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। उसमें मैंने बता दिया आरआई साहब को कि उसमें जो है वो समझा देंगे, ज़रा बता देंगे, उनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बाकी उनके रिकॉर्ड्स का चेकिंग मैं कर रहा हूँ अभी। इंडो नेपाल बॉर्डर के नेपाल नो मैंस लैंड पर नेपाल के अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। विवाद बढ़ने के बाद भारतीय प्रशासन ने नेपाल प्रशासन से नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की थी। ब्रह्मदेव मंदिर नेपाल से लगे दो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई के काम प्रशासन ने रुकवा दिया। इस दौरान नेपाल प्रशासन ने भारतीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दिया। वहीं भारतीय प्रशासन से नेपाल के अधिकारियों ने दो दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। भारतीय प्रशासन नेपाल द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। रैप सॉन्ग लिखना और उसे गाना अलग बात है, लेकिन पूरे रैप अगर सिर्फ एक ही अक्षर से शुरू हुआ हो तो यह आचरज की बात है। ऐसा ही नया प्रयोग काशीपुर के रहने वाले श्लोक भारद्वाज ने कर दिखाया है। उनके लिखे रैप के सारे अक्षर ब से शुरू होते हैं। रैप लिखने के बाद उसे फिर अपने अंदाज में गाना और भी मुश्किल काम है, लेकिन श्लोक भारद्वाज ने यह दोनों मुश्किल काम कर दिखाया और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्लोक भारद्वाज ने लॉकडाउन के खाली समय में ऑनलाइन रैप कंपटीशन में प्रतिभाग किया और हर कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। वो हम मेरे को रैप लिख के ला के सुनाता था कि मैंने आज ये लिखा, आज मैंने वो लिखा। उस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो अच्छा होता गया। अब उसने इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया है, जिस जो एक गाना है जिसमें हर शब्द बास है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि वो कुछ कर सकता है। तो मैंने उसका सपोर्ट किया जितना मेरे से हो सकता था। मेरे को वीडियो के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे से कहा कि मेरे को वीडियो भी शूट करनी है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर मैं उसकी वीडियो शूट करने लगा और वीडियो एडिट करने लगा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं अपने, उसके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है और ये मेरा, मैं इंडिया का एक पहला ऐसा फर्स्ट रैपर बना हूँ
जिसने सिर्फ एक अक्षर को चुन के पूरा एक गाना तैयार किया है, जिसमें सिर्फ बा अक्षर के अलावा कोई दूसरा अक्षर प्रयोग नहीं किया, पूरा गाना खाली बा अक्षर से बना हुआ है। बाकी लिखने का मुझे लगभग 2012-13 से मैं लिखने का शौकीन हूँ। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हिप हॉप की पहचान हुई इंडिया में, तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा, तो तब से मैं भी कर रहा हूँ। बाकी अभी चल ही रहा है, मेहनत जारी है। नहीं की करें तो एक आर्टिस्ट के लिए मतलब अपने आप को ग्रो करने से अच्छा कोई बात नहीं होती, तो मेरे लिए मतलब वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, मतलब मैं जब तक काम करता रहूँगा, जब तक मैं अचीवमेंट पाता रहूँगा, मेहनत जारी रहेगी मेरी। पहुँचने में मेरे सबसे पहले फैमिली है, फिर मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल्स में हैं, दोस्त है मेरे अविनाश मेरा दोस्त है जो मतलब मेरी वीडियोस वगैरह शूट करता है सब। बाकी फ्रेंड सर्कल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और हैरी अपना भाई अरशद है, साथ के बहुत सारे बंदे, काशीपुर के लोकल के काफ़ी सारे बंदे हैं जिनके यहाँ पे घर जाके रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ, शख्स है एक दोस्त, तो मतलब बहुत सारे दोस्तों की भूमिका रही है इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्गों में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना और बैठना महंगा पड़ सकता है। सड़क हादसों को लेकर उधम सिंह नगर जनपद पुलिस दोपहिया वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर जिले के कप्तान द्वारा जनपद के सभी थानों के अधिकारियों को निर्देश भी कर दिया गया है। अगर आप दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जनपद में हेलमेट के खिलाफ पुलिस टीम अभियान चला रही है। जनपद में बढ़ रहे सड़क हादसों की तादाद को देखते हुए जब अब जिले के कप्तान सख्त दिखाई दे रहे हैं, SSP द्वारा जनपद के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि रफ ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रिपल राइडिंग करते हुए देखा जा रहे हैं। दूसरा, दोपहिया वाहनों में लोग हेलमेट कम धारण कर रहे हैं, हेलमेट रखा हुआ है गाड़ी में और हेलमेट रखने के बावजूद भी जो है लोग हेलमेट धारण नहीं कर रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले ही से मैंने पूरे जनपद के सारे एसओज को बता दिया है। एक तो NH पर स्टेट हाईवे में जो भी दोपहिया वाहन चालक जा रहे हैं अनिवार्य रूप से हेलमेट का धारण करेंगे। जो हेलमेट धारण नहीं करेगा उसके खिलाफ बहुत सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे और इनकी DL कैसे से कार्रवाई होगी। इवन हम उनके जो अगर उनके वाहनों को भी हम सीज भी कर सकते हैं उस समय के लिए। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुसाने की घटना के बाद वन विभाग के आला अधिकारियों ने धरातल पर उतर कर कसरत शुरू कर दी है। मंगलवार को वन विभाग के मुखिया राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया और कई जगह और गांवों में जाकर भी PCCF ने ग्रामीणों से बातचीत की। कुंभ मेले में हाथी की आवाजाही रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से वन प्रभाग की ओर से काम किया जा रहा था। इसमें सोलर फेंसिंग, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा खाई, 8 चौकी समेत 65 लोगों को अस्थायी तौर पर तैनात किया गया है। निरीक्षण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PCCF राजीव भरतरी ने बताया कि जंगली जानवरों को मेला क्षेत्र में आने से रोकने के लिए डिवीजन और रेंज लेवल पर कई नई टीमें तैनात की गई थी। डिवीजन लेवल पे जो है 16 टीम बनाई गई हैं और 4 रेंज लेवल PRT और 1 डिवीजन लेवल RRT है, और तो इनके द्वारा चौकसी की जाएगी। और ये तैयारी जो है विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से चल रही थी और अब जो है विभाग इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ये हाथी ने वहाँ पे प्रवेश किया और जो कि उसका सामान्य स्थान नहीं था, लेकिन फिर जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम थी उसने तुरंत मौके पर जाकर के उसको वापस दी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता गोपाल के वर्मा को उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई है। 10 साल से खाली पद पर गोपाल के वर्मा को अपर स्थायी अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति के बाद उनके साथी अधिवक्ताओं ने उनको बधाई दी है।
गोपाल के वर्मा राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और पिछले कुछ महीनों से यूपी सरकार के लिए बतौर स्थायी अधिवक्ता काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी पदोन्नति की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश न्याय विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया है। गोपाल के वर्मा ने कहा कि वे मजबूत के पैरवी करने के साथ ही अपना काम कर्तव्य निष्ठा से दी नई जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। कल तो चीफ जस्टिस ने खुद कोर्ट में कहा था कि मसूरी में लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है हमें भी यहाँ पे किसी दिन लगाना पड़ जाएगा कोर्ट, फिर हमें वर्चुअल करनी पड़ेगी मैं यहाँ पर पहले स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर कार्य कर रहा था और मुझे प्रमोशन देते हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर मेरी तैनाती की है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं उनमें किसी भी तरीके से की कोई कमी नहीं रहेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के हितों का यहाँ पर मैं पूरा ख्याल रखूँगा और बराबर उसकी पैरवी मजबूत तरीके से करूँगा। खबर देहरादून से है, जहां सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत एकदम एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने अफसरों को साफ कर दिया है कि तुम किताब पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा, मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वक्त कम है और चुनौती बड़ी है। तीरथ सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वह महानगर भाजपा की रैली के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने करीब एक घंटे के संबोधन में कार्यकर्ताओं की खूब वाहवाही बटोरी। तीरथ ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह यहां तक पहुंचूंगा, यह भाजपा में ही मुमकिन है, मैं तो एक माध्यम हूं, ये कुर्सी कार्यकर्ताओं की है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के अपराध और कानून व्यवस्था के स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुंभ, चारधाम यात्रा और कोविड के दृष्टिगत चुनौतीपूर्ण है। सीएम ने कहा कि कुंभ, चारधाम यात्रा और कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। फिर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व कोई किसी तरह की शरारतें ना करें, उस तरह का एक चैलेंज रहता है और इस बार नया चैलेंज कोविड भी है, तो इन सब को देखते हुए हम अपनी समस्त एंगल से तैयारियां कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि कुंभ जो है पूर्णतः सुरक्षित हो। जैसा मैंने कहा कि जो पीक क्राउड आया था 1,60,00,000 का, हम दो तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अब वो कोरोना का कितना डर है, कितनी रेस्ट्रिक्शन है, कितना क्या क्या प्रोटोकॉल है, जो है उसी हिसाब से लागू होगा। बीते दिन उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की, जिस पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन पर तंज कसा है। हरजा ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी को ग्लैमराइज करना स्वाभाविक है और अगर भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नई नौकरी लगी है वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं, वो भी समय हो सकता है, लेकिन आप किसी मानव की भगवान राम कृष्ण जी से अगर तुलना करेंगे वो भी देवभूमि के मुख्यमंत्री, वो ठीक नहीं है। हमारे आराध्य देवताओं का अवमूल्यन करें और उनकी केवल मानव मात्र, वो मानव विशिष्ट मानव भी हो सकता है। साथ ही कहा कि हमारी देवतुल्य व्यक्तित्व आदि का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। राम और कृष्ण हमारे आराध्य कृष्ण का देवताओं
खबर देहरादून से है, जहां तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज राजधानी देहरादून में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि रैली में तकरीबन 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। वहीं इस दौरान रैली कनक चौक, गांधी पार्क, घंटाघर के रास्ते होते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज मैंने सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और पदभार मैं कल से ग्रहण करूंगा। आज कार्यालय के लिए अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं, पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ, इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। अच्छा है, जब परिवर्तन हुआ है तो उसका एक असर कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में भी दिखना चाहिए, अच्छा असर दिख रहा है। और दोनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पुराने कार्यकर्ता हैं, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और अच्छा ही होगा। जनता में अपार उत्साह है, बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया वेदिक जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे, एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूं तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय गाड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस समय मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में नवनियुक्त मदन कौशिक जी भी मौजूद है, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और गणेश जोशी भी इस समय मौजूद है यहाँ पर और साथ ही साथ मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो युवा मोर्चा द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि आप 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान यहाँ पर मौजूद है और जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर देख रहे हैं आप, वो अलग ही इनके चेहरे पर उत्साह है और किस तरह से जोश है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, देहरादून की तमाम जनता भी आज इनका भव्य स्वागत यहाँ पर।
पर चल रही है। साफ तौर पर आप खुशी की लहर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख सकते हैं और जिस तरह से लगातार आगे यहाँ पर कार्यकर्ता एक जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब ये कनक चौक की तरफ यहाँ से ये जो रैली है कनक चौक की ओर यहाँ से बढ़ रही है धीरे धीरे यहाँ से कनक चौक की ओर लगातार ये रैली अब बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती जा रही है जो कार्यकर्ता है उनकी भी जो जमावड़ा है वो लगातार आगे ये जो काफिला है बढ़ता ही जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जय जयकार यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा बब्बर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। रैली धीरे धीरे कनक चौक की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर जानना आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून की जनता भी इसमें लगातार शामिल होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को भी एक तरफ रोक दिया गया है। रूट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार जो रूट्स हैं उनको भी डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। कह सकते हैं कि साफ तौर पर तस्वीरों में कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है। लेकिन जो इस समय जो पुलिस की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने चारों ओर से जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए रैली की तो रैली लगातार आगे बढ़ रही है और अब कनक चौक की ओर यहाँ पर रैली पहुंचने ही वाली है। कनक चौक के बाद से ये रैली अब गांधी पार्क की तरफ जाएगी, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य गांधी पार्क के बाद से गांधी पार्क के बाद से यह रैली घंटाघर की ओर बढ़ेगी जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा और जिसके बाद से प्रिंस चौक की ओर बढ़ते हुए प्रदेश मुख्यालय जाएगी जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पदभार ग्रहण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लेक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार के न्यूज इंडिया देहरादून। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सा। उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक ने देहरादून बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों के साथ हवन किया, जिसके बाद विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मदन कौशिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संगठन का सरकार के साथ जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा काम है।
वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 22 से 24 मार्च तक दौरे के दौरान जिलों के भ्रमण कर संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। अध्यक्ष के तौर पर विधिवत रूप से मैं कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। कल हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे। सभी अपने यहाँ स्टाफ के लोगों से परिचय, सुबह पूजा हवन इत्यादि के बाद माननीय मेरे निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंसीधर भगत जी ने विधिवत रूप से आज पदभार मुझे सौंपा है। लक्सर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बैंक बंद है। बैंकों के बंद होने से परेशान ग्राहक, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बैंक पहले सेकेंड सैटरडे और संडे की छुट्टियां होने के कारण बंद रहे, फिर अगले दिन से कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। ऐसे में ग्राहकों की दिक्कतें दोगुनी हो गई हैं। के न्यूज़ संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा लिया और परेशान ग्राहकों से बातचीत भी की। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लक्सर में निजीकरण के को चलते जो है, जो बैंक हड़ताल पर कर्मचारी हैं, उनसे जो आमजन हैं, जो लोग हैं, वो परेशान हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से हो? हम यहीं से, भुरना गांव से हैं। अच्छा, भुरना गांव से आप बैंक में आए थे? हाँ जी, बैंक में आए थे। किस लिए आए थे? ये पैसे लेने के लिए आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये हड़ताल चल रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। हड़ताल चल रही है, पैसे लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भाई। राजेंद्र जी, किस तरीके से परेशानियों का सामना फिलहाल जो करना पड़ रहा है? हमारे तो बहुत पसीने सोते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर भी कह देते हैं छुट्टी हो गई, कोई भी नहीं बोलता है, गरीब बोलता। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो परेशान है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आप यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? पैसे लेने के लिए आए थे। पैसे लेने के लिए, फिर क्या हुआ? एटीएम में पैसा नहीं, बैंक बंद है। बैंक बंद है, हाँ? तो जो बैंक बंद है उसकी वजह से जो आम जो लोग हैं वो परेशान है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों की जमा पूंजी बैंक में होती है, अपने जो सामान है वो खरीदने को लेकर के कहीं ना कहीं बैंक पहुंचते हैं, लेकिन लोग जो है परेशान है कहीं ना कहीं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।